नमस्कार। नमस्कार सर। आप लोग किस शहर से आए हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले से, तुलसीपुर से। अच्छा अच्छा, जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, हमारे जानने वाले थे, उन्होंने अपना बेबी टेस्ट ट्यूब करवाया था। जी जी। और वो हमको लेके आए, उन्होंने इसके बारे में हमको बताया। उनको सफलता मिली आपके एरिया में? जी, तो उन्होंने आपको बताया। उन्होंने हमको बताया और फिर आपने यहाँ पे आकर के इलाज कराया। जी। ये जो आपका हमारे लोग के साथ साथ था टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज के दौरान, फिर आपको बच्चे हुए, ये जो पूरा 9-10 महीने का हम लोग के साथ साथ था, हॉस्पिटल के लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? हॉस्पिटल का स्टाफ का कैसा रहा? बहुत अच्छा था। डॉक्टर जो हैं यहाँ पे, उनका आपके साथ कैसा रहा? उन्होंने आपको समय समय पे सहयोग किया? जी, बहुत अच्छा व्यवहार था। जी जी। और आपकी शादी के कितने साल हो गए? जी, हमारी शादी 1985 में हुई थी। 1985 में, यानी कि वही 39 साल के करीब हो रहे हैं शादी के। जी जी। 39 साल बाद आप लोगों की गोद में दो बच्चे हैं। जी जी। इस खुशी को आप कैसे व्यक्त करेंगे? हम बहुत महसूस कर रहे हैं। जी। और हम जावित्री हॉस्पिटल को बहुत बहुत और जावित्री के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से। जी। मैं आईजी, मैं एक ग्राम प्रधान हूँ और मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से आज आपको कैसा लग रहा है? आज हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि जो चीजों के लिए आप 39 साल से परेशान थे, जो बच्चे को आप गोद में लेने के लिए परेशान थे, आज आपके गोद में दो बच्चे हैं। जी जी। तो वो खुशी आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? बहुत व्यक्त करना चाहते हैं। जी, हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैडम आप बताएं। हमको बहुत खुशी है। जी। और इतने दिन के बाद पाए, हमको बहुत खुशी है। जी। और इसका श्रेय मैडम आप किसको देना चाहेंगे? जो आपको दो बच्चे हुए, इसका श्रेय आप किसको देंगे? जावित्री हॉस्पिटल। अच्छा। और बहुत सारे लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, काफी समय गुजर जाता है और काफी पैसा खर्च कर चुके होते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सीधे कहीं ना भटक करके वो सीधे जो है जावित्री हॉस्पिटल पहुँचे। जी जी। क्योंकि मैं इलाहाबाद, गोरखपुर, दिल्ली तक मैं इलाज करवाया हूँ। जी जी। और लखनऊ में भी मैं जो है 3-4 लोगों का मैं इलाज करवाया हूँ, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। जावित्री हॉस्पिटल के जो बड़ी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजुल त्यागी, उन्होंने आपके आपके बच्चों को लेकर के क्या बोला, क्या कहा उन्होंने आपको? हाँ, क्या आश्वासन दिया था? बच्चों, हम उन्होंने कहा था कि आपको ईश्वर कामयाब करेगा। जी। कोशिश हम करेंगे। जी जी। हम ईश्वर तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कामयाबी ये है कि आपको सफलता मिलेगी। उनके द्वारा जो आपको सफलता मिली है, जो दो बच्चे आपके पास आए हैं, तो आप डॉक्टर राजुल त्यागी मैडम को क्या बोलना चाहेंगे? राजुल त्यागी को हम भगवान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान का दूसरा रूप तो हम जी कह ही सकते हैं। मैडम आप बताइए, क्योंकि वो भी महिला है और आप भी महिला है। हमारे लिए भगवान के दूसरा रूप है डॉक्टर। जी जी। हम उनका भगवान मानते हैं, दूसरा रूप है भगवान की। जी जी। और यहाँ पे हमको उम्मीद नहीं था। जी। लेकिन हमारे बच्चे होंगे, लेकिन हमारे दो दो बच्चे हुए हैं। जी। आप लोग बहुत खुश हैं, आपका परिवार खुश है। और आपने अपने परिवार में ये खबर भेजी होगी तो? जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार आए थे। जी जी। हमारा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड परिवार है, हमारे परिवार के लोग तो वही वो लोग कैसे गए, उन लोगों को क्या मैं खुश हूं, बहुत अच्छा महसूस किया। जी जी। हमारे रिलेटिव के जो है दुबई से लोग आए थे, देखे, बड़ा अच्छा मतलब नाम किया जावित्री हॉस्पिटल का। जी जी। डॉक्टर श्री रंजुल तेगू जी का जो है। जी जी। बड़ा जी। तो जावित्री हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ की तरफ से आप लोग को जो दो बच्चे हुए हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत बधाई।